सेंचुरी टेस्ट के लिए तैयार भारतीय टीम। कप्तान विराट कोहली पहले टेस्ट में इन 11 खिलाड़ियों को देंगे प्लेइंग 11 में जगह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जीत हासिल करे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर है। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। ऐसे में चलिए जानते हैं कैसी होगी पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11। दोस्तों, टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली अपने अच्छे बल्लेबाजों और गेंदबाजों को टीम में शामिल करके दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीतना चाहेंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल को टीम इंडिया में शामिल करना तय माना जा रहा है। केएल राहुल ने टीम इंडिया के लिए साल 2021 में 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें केएल राहुल ने 300 से अधिक रन बनाए हैं। वहीं मयंक अग्रवाल ने भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे पर मिली फॉर्म को जारी रखते हुए अपनी जगह टीम इंडिया में पूरी तरह स्थायी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी करना चाहेंगे। तीसरे नंबर पर भारत की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। चौथे नंबर पर कप्तान विराट कोहली खुद बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली के लिए दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट सीरीज काफी अहम है। विराट कोहली के फैंस चाहेंगे कि विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका दौरे पर अच्छी बल्लेबाजी करें और टीम इंडिया लंबे समय बाद दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर कोई सीरीज जीते। नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर या अजिंक्य रहाणे में से किसी एक खिलाड़ी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम मैनेजमेंट टीम में जगह दे सकते हैं। विराट कोहली न्यूजीलैंड सीरीज के प्रदर्शन के आधार पर श्रेयस अय्यर को नंबर 5 में प्लेइंग 11 में शामिल करना निश्चित माना जा रहा है। नंबर 6 पर आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत का खेलना तय है। ऋषभ पंत भारतीय टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा का पहले टेस्ट में खेलना तय है। वहीं अन्य गेंदबाजों की बात करें तो अन्य गेंदबाजों में मोहम्मद शमी और चौथे गेंदबाज के तौर पर शार्दुल ठाकुर या मोहम्मद सिराज में से किसी एक तेज गेंदबाज को टीम इंडिया के पहले टेस्ट मैच में जगह दी जा सकती है। वहीं टीम मैनेजमेंट फिरकी गेंदबाज के तौर पर रविचंद्रन अश्विन का खेलना तय माना जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।